नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको आइशर FF1 की विशेषताएं और ये डीजल कैसे कम खाता, कितने अच्छी इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें तो हम इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो ये हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल आता है जिससे कि हम लोजर डोजर इत्यादि उपकरण चला सकते हैं। अगर इसके बाद हम इसके बम्पर की बात करें तो ये हैवी बम्पर आता है जिससे कि ट्रॉली में जितना भी लोड हो आगे से उठेगा नहीं। और इसके बाद हम बात करें तो इसकी स्टेयरिंग की, ये ड्यूल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग आता है जिससे किसान को चलाने में आसानी होती है। इसके बाद हम अगर बात करें एयर क्लीनर की तो ये फोर स्टेप बाथ आता है, जो कि फोर स्टेप बाथ कैसे कि जैसे जो हवा इंजन को जाती है वो चार जगह से फ्रेश होके इंजन को हवा जाती है। अगर इंजन की हम बात करें इसमें ये वोल्ट्रा का इंजन आता है 3300 सीसी के साथ तीन सिलेंडर और वाटर कूल्ड में ये आता है। अगर इसके बाद हम बात करें इसके फ्यूल टैंक की तो ये 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है इस डीजल टैंक। इसके बाद हम बात करें गियर बॉक्स की, इसमें कॉन्स्टेंट मैस और स्लाइडिंग मैस गियर बक्सा आता है और 5 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स के साथ ये आता है। इसके बाद हम बात करें इसमें पीटीओ गियर, पीटीओ जैसे मल्टी स्पीड पीटीओ आती है जिससे कि किसान अलग अलग इम्प्लीमेंट में अलग अलग स्पीड के साथ उसको चला सकता है। फिर इसके बाद अपन करें बात अपने ब्रेक्स की, इसमें ऑयल ब्रेक आते हैं जो कि तेल में डूबे हुए ब्रेक्स आते हैं जिससे कि इसको पडलिंग में या पानी में भी चलाएं ये ख़राब नहीं होते, ये लंबी सर्विस देते हैं। इसके बाद हम बात करें इसके क्लच की तो ये क्लच ड्यूल टाइप क्लच आता है जिससे कि रोटावेटर थ्रेसर रीपर इत्यादि उपकरण अपन जो डबल क्लच इसमें यूज होता है वो चला सकते हैं। अगर देखा जाए इसकी स्पेस की बात करें तो स्पेस बहुत अच्छा है, सेटिंग बहुत अच्छी है। इसकी जो सीट है एडजस्टेबल सीट है जो किसान अपने हिसाब से आगे पीछे इसको कर सकता है। इसके बाद हम बात करें तो लिफ्ट जो है इसकी 1700 केजी के साथ है, 3 लिंकेज के साथ ये लिफ्ट आती है जिसको किसान अपन हार्ड मिट्टी जैसे भी है उसमें चला सकते हैं। अब आगे अपन बात करें तो इसमें 300 प्लस स्टेप आते हैं, सेंसिंग जो स्टेप रहते हैं लिफ्ट में वो भी इसमें आते हैं। और ये अपना 551 ऑक्सरी वाल्व में आता है। ऑक्सरी वाल्व मतलब इसको इसमें पल्टी प्लाव आप चला सकते हो, ट्रॉली जैसे लोड है खाली करनी है तो उसमें भी ऑक्सरी वाल्व यूज़ होता है। इसके बाद हम इसके टायर की बात करें तो पीछे के टायर जो है 14/9/28 के आते हैं, आगे वाले टायरों की अगर बात करें तो 750 का आते हैं। अगर बैटरी की बात करें 80 एम्पियर किसकी बैटरी है जिसमें